हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो गाइज, अभी कुछ ही हफ्तों पहले बिग बॉस का OTT सीजन 3 खत्म हुआ था एंड ज़्यादा फैंस को आजकल वेट भी नहीं करनी पड़ती थी। सलमान खान का जो ओरिजिनल TV वाला बिग बॉस 18 है, वो भी अब लौट आया है। तो उसी के अपडेट्स वगैरह में इतने दिनों से मैं बात कर ही रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी उसी के एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निया शर्मा, जो कि कलर्स टीवी के करंटली 2 शोज़ का हिस्सा हैं, वो हमें बिग बॉस 18 में देखने को मिलने जा रही है और ये कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट है जो कि इस बार फाइनली पार्टिसिपेट करने वाली है ये वाले शो में। यहाँ पर इंटरेस्टिंग अपडेट ये नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग अपडेट है वो ये है कि एक और कंटेस्टेंट है जिनको फाइनलाइज़ कर लिया गया है बिग बॉस सीज़न 18 के लिए, या फिर हम कहें 99% जिनको फाइनलाइज़ कर लिया गया है जो कि शो में एंटर करने जा रही है, और वो है देव चंद्रिमा सिंगा रॉय। तो गाइज, करेंटली आप ये दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ देखते आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कलर्स TV के फिक्शनल हॉरर सुपरनेचुरल सीरियल सुहागन चुड़ैल में। तो गाइज, दोनों चुड़ैल, यानी कि आजकल तो देव चंद्रिमा सिंगा रॉय को भी वैसे सीरियल में चुड़ैल ही बनाया हुआ है, तो दोनों सुहागन चुड़ैल्स हैं जो दोनों एक साथ बिग बॉस सीज़न 18 में एंटर करने जा रही हैं। तो डेफिनेटली जो ये सीरियल के फैंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया खबर लगेगी एंड दोनों को फिर से एक साथ भी उनको देखने को मिलेगा। वरना ऐसे ही होता होता है कि सीज़न, यानी कि सीरियल ख़त्म हो गया एंड उसके बाद एक्टर्स वगैरह बिछड़ जाते होते हैं, अलग अलग टीवी शोज़, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चले जाते होते हैं, लेकिन काफ़ी रेयर होता है कि दोनों का अगला प्रोजेक्ट भी सेम हो और वो भी इस लेवल का जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस का। तो गाइज, देव चंद्रिमा भी अब हमें बिग बॉस की सीज़न 18 में देखने को मिलने वाली है। एक चीज़ मुझे अभी तक इंटरेस्टिंग लगी कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट सिलेक्शन है वो मेनली TV सेलेब्स में से चल रही है और बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, तो आई होप बाकी के भी ऐसे ही हो। अब गाइज, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताना कि निया शर्मा वर्सेस देव चंद्रिमा रॉय हमें सुहागन चुड़ैल में भी देखने को मिला और बिग बॉस 18 में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर बिग बॉस सीजन 18 में एक ही को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वोट तो 80 एक ही को कर सकते होते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि निया शर्मा को आप सपोर्ट करने वाले हैं सीज़न 18 में, या फिर देव चंद्रिमा सिंगा रॉय को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो अभी नहीं बता सकता, बिग बॉस 18 जब शुरू हो जाएगा तो दोनों एक्ट्रेसेस की किस तरह की पर्सनैलिटी ऑफ स्क्रीन वो जब सीज़न 18 में हमें देखने को मिलेगा तो उसके बेसिस पे ज़रूर बता सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं निया शर्मा को थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ बिकॉज़ ये खतरों के खिलाड़ी भी कर चुकी हैं, दूसरे कुछ रियलिटी शोज़ कर चुकी हैं जहाँ पर इनको देखा हुआ है। दूसरी बात देव चंद्रिमा की, उनको सिर्फ सुहागन चुड़ैल में मैंने अभी तक देखा है, बाकी देखते आने वाले टाइम में सीज़न 18 में क्या होता है। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। आने वाले दिनों में और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फिलहाल की वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।